हम लोग देखते हैं कि अल्कोहल के कुछ ऐसे रिएक्शंस अफौरी क्या होते हैं। जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि यह हमारे पास, अब इस अल्कोहल में हमने कहा कौन कुछ, यहां ध्यान, यहां पर अगर किसी ने 200-170 डिग्री मेंशन कर दिया तो एल्कीन बन, अगर मेंशन नहीं किया तो मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब क्या है, उनका मतलब तो रूम टेम्परेचर का मतलब यह हुआ कि लोअर टेम्परेचर, और अगर यह प्रॉपर रहे तो उस केस में हम कार्बो कैटायन कर सकते। तो कंसेप्ट है कि अल्कोहल में तो बना सकते हैं, क्यों बना सकते हैं, एच प्लस बनेगा, ऑक्सोनियम बनेगा, ऑक्सोनियम के बाद कार्बो कैटायन बना देंगे। लेकिन अगर अल्कोहल के जगह पर मान लिया जाए कि आपके पास, अगर हम बात करें कि हमारे पास ब्रिज हेड अल्कोहल, तो बेटा हम यहाँ लाख हम कॉम टेस्ट लिखे, लाख हम यहाँ पे हीट करें, यहाँ पर हमें कार्बो कैटायन नहीं बनाना है। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि कार्बो कैटायन यहाँ चलेगा। इसी तरीके से हम फिनॉल की बात करें, कि अगर हम फिनॉल की चर्चा कर रहे हैं तो फिनॉल पे बात करेंगे, कॉम टेस्ट सपोर्ट दे दिया और कॉम टेस्ट सपोर्ट देकर के हीट कर दिया, तो हमें कभी भी ऐसी गलती नहीं करना कि हमें आप फिनॉलिक कार्बो कैटायन, तो हमारा अपना जो मेथड होगा वो हम अपने मेथड से, और जो अल्कोहल से ऑक्सोनियम बनाएंगे, लेकिन ध्यान रखना है कि ब्रिजहेड पे कार्बो कैटायन नहीं बनाने हैं, बेंजीन पे कार्बो कैटायन नहीं बनाने हैं। तो ये बेसिक आपके, और अगेन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जहां जहां कार्बो कैटायन बनता है, अब इसके रिएक्शन इसके बाद सुनो कि कार्बो कैटायन पे पहला अप्रोच क्या होगा, यहाँ पे या तो न्यूक्लियर पायलट एक्ट कर जाएगा। दूसरा अप्रोच क्या होगा कि अगर हम यहाँ बात करें हीट दिया जाए और अल्फा हाइड्रोजन हो तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन हट करके एल्कीन बन सकता है, या नहीं तो तीसरा केस कि कार्बो कैटायन को और क्या हो सकता है कि कार्बो कैटायन कैन रिएक्ट। ये हम लोगों ने जीओसी वन में भी पढ़ा, जीओसी टू में पढ़ा है कि कार्बो कैटायन रिएक्टमेंट होता है। तो इस बात को ध्यान देना कि अल्कोहल में ये सारी बातें बहुत फ्रिक्वेंटली हम लोग को मिलने वाली है कि अल्कोहल के केस में कार्बो कैटायन को दो चीज मिले, पहला नंबर तो OH का रिप्लेसमेंट हो जाए, लेकिन ये रिप्लेसमेंट कब होगा, जब हमारे पास प्रॉपर एक न्यूक्लियर पार्टनर होगा, या नहीं तो दूसरा केस कार्बो कैटायन बनने के बाद रिएजमेंट हो जाए, रिएजमेंट रिएक्शन हो जाए, या फिर सब्स्टिट्यूशन हो जाए। तो ये दोनों घटनाएं हम लोग को अल्कोहल में मिल जाएगी। कुछ और एकदम, अब जैसे हम देखते हैं तो मान लिया जाए कि हमारे पास ये अल्कोहल है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में हमारे पास अल्कोहल से ऑक्सोनियम बना देंगे और ऑक्सोनियम में आयोडाइड का सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या होगा। अब ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक का क्या प्रयोग करते हैं, इसके लिए प्रयोग करते हैं अल्कोहल से क्या बनाने के लिए, एल्काइल है, अल्कोहल से एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए हम लोग HI का प्रयोग, HBr का प्रयोग कर सकते हैं, और इसके माध्यम से अल्कोहल से क्या बना देंगे, एल्काइल। और अगेन और आपको दूसरी बात कि हैलाइड्स आर आल्सो गुड लिविंग ग्रुप, तो हैलाइड्स से अल्कोहल बनाने के लिए क्या करते हैं, एक्वस QH का प्रयोग करते हैं, OH माइनस का प्रयोग करके फाइल पे हार्ड अटैक करा करके इसको रिप्लेस करा करके क्या बना देंगे, अल्कोहल। तो ये कुछ छोटे छोटे रिएक्शन, सिंपल सिंपल रिएक्शन जो मैं अभी आपको बता रहा था इस मैकेनिज्म के तहत ऑक्सोनियम के माध्यम से अल्कोहल का क्या बिहेवियर होता है। तो कार्बो कैटायन बना करके कार्बो कैटायन के ऊपर तीन घटनाएं घटेंगी, या तो हम न्यूक्लियोफाइल पे चले जाए, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा दे, सब्स्टिट्यूशन करा दे, या नहीं तो हीट करने पे एल्कीन बना दे, या फिर रिएक्टमेंट करने के बाद फिर वही सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सम रिएक्शंस ऑफ ईथर। ईथर के केस में मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो हमें जो बातें याद रखनी है, Do not react
its base or a strong nucleus. ये पहला है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, मान लिया जाए कि CH3 और CH3 और हमने प्रयोग किया यहाँ पे क्या HBr, तो हम क्या कंसेप्ट सिंपल, ऑक्सीजन लोन पेयर H प्लस इलेक्ट्रोफाइल एसिड बेस रिएक्शन CH3 OH प्लस CH3। अब याद है, अब आपके मन में दो तीन बातें आएंगी कि इसके बाद क्या हो, तो बेटा ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का कार्बन का टैन तो बहुत स्टेबल नहीं होता, तो यहाँ पे हमारा दूसरा रोल क्या होगा, लेकिन एक अच्छा लिविंग रूल बन, तो दूसरा रोल ये होगा कि हम Br- माइनस का अटैक कराएंगे और इसको रिप्लेस कराएंगे, तो इस तरीके से क्या बन गया, दिस विल बी CH3 Br प्लस मिथाइल। लेकिन सेम क्वेश्चन अगर किसी ने कहा अच्छा डाइफिनाइल ईथर होगा, तो डाइफिनाइल ईथर में अगर हम HBr यूज करेंगे तब क्या होगा, तो इस केस में भी क्या बनना चाहिए, PHOH प्लस PH, और अब क्या होना चाहिए, Br माइनस का अटैक हो करके इसको रिप्लेस करते। लेकिन ध्यान देना कि क्या यहाँ मिथाइल पे रिप्लेसमेंट फिनाइल पे रिप्लेसमेंट, फिनाइल sp2 कार्बन है और ये sp3 कार्बन है, तो फिनाइल पे रिप्लेसमेंट इसका अटैक नहीं होगा, तो ये आगे रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन। अगेन तीसरा एग्जांपल, मान लिया जाए कि किसी ने कहा यहाँ मिथाइल है इधर फिनाइल है और हमने इधर HBr ले लिया, तब क्या करें, तो करना तो शुरुआत तो ऐसे ही होगा बेटा, ऑक्टोनियम बनेगा और ऑक्टोनियम बनने के बाद अब यहाँ ध्यान देना है, ये जो Br- माइनस है ये कहाँ से सब्स्टिट्यूट कर सकता है, ये sp3 कार्बन है, इधर sp2 कार्बन है, तो sp2 तो होगा नहीं, कहाँ अटैक करेगा इधर, तो क्या बन जाएगा आपके पास CH3Br, और क्या बनेगा फिनॉल। कहने का मतलब है कि कभी भी फिनाइलिक ईथर हो, किसी भी फिनाइलिक ईथर के केस में जब भी बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड टूटता है, ये बॉन्ड तो टूटता ही नहीं है, तो इस तरीके से यह इसी तरीके से मान लिया हम और आगे बढ़े, एक और एग्जांपल ले लें कि अगर हमारे पास जूम करें CH3OC इधर टर्शियरी ब्यूटाइल हो, अब क्या करेंगे, तो थोड़ा रिएक्शन अलग, क्या अलग हो जाएगा, कि टर्शियरी ब्यूटाइल के केस में टर्शियरी कार्बोकैटायंस आर हाईली स्टेबल, जब हाईली स्टेबल है तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बन जाएगा, नाउ इसमें जब निकल लेंगे और निकलने के बाद क्या बन जाएगा, तो टर्शियरी कार्बन होता है, और ये टर्शियरी कार्बन का टाइम क्या होगा, ब्रोमो कार्बन एंड दिस विल फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे कहने का मतलब होगा कि आपको कुछ बातें जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि कभी भी बेंजीन और ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं तोड़ना, चाहे वो यहाँ भी नहीं तोड़ेंगे, यहाँ भी नहीं तोड़ेंगे, और बाकी जगहों पे सब्स्टिट्यूशन स्टेबिलिटी के हिसाब से चलेगा, अगर लिविंग ग्रुप है इधर भी लिविंग ग्रुप सेम है, इधर भी लिविंग ग्रुप सेम है, तो आपको देखना है कौन से कार्बो कैटायन ज्यादा स्टेबल होंगे कार्बो कैटायन के माध्यम से। ये सारी बातों को हम लोग दोबारा से रिपीट करेंगे जब टॉपिक में आएंगे तब। फिलहाल यहाँ मैं क्या बता रहा था, हाउ रिएक्शन बिगिंस, यहाँ पर रिएक्शन की शुरुआत कैसे करेंगे, क्योंकि बेस का तो कोई रिएक्शन होना नहीं है, तो अगर किसी ने आपसे कह दिया यहाँ पे हमारे पास मिथाइल वो मिथाइल है और हमने यहाँ पे OH- माइनस करा दिया, तो हम सीधा सीधा लिखेंगे नो रिएक्शन, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो ये अपना अप्रोच होगा ईथर के अगेंस्ट में, ईथर में हम किस तरीके से प्रोसीड करें। Let us see something about epoxide. Epoxide के केस में तो
तो पहली बात जो मैंने लिख दी, दो चीजें लिखी है। पहला नंबर रिएक्ट विद एसिड एच प्लस लेविस एसिड फॉर्म ऑफ सोडियम एंड फॉर्म स्टेबल कैटायन। और दूसरा नंबर लिख दिया रिएक्ट विद बेस न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर बेस और न्यूक्लियोफाइल का टाइप है, तो ये बड़ा सेलेक्टिव है, ये दोनों जगह पे कहां पर बेस और न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर ध्यान देना कि 1 डिग्री इज मच बेटर देन 2 डिग्री और 3 डिग्री पे तो क्यों एस्टेरिक रीजन के कारण, एस्टेरिक कंसेप्ट के कारण बैक साइड अटैक 1 डिग्री पे ओवर होता है। तो अगर कहीं बेस का अटैक मतलब अब यहां से क्या निष्कर्ष निकल जाएगा, तो मान लिया जाए कि आपसे किस विद ये जो हमारे पास कंपाउंड है हम इसको रिएक्ट करा रहे हैं, ऐसे करें कि हम यहाँ पे O18 है, हमने कहा ये वर्ड है पोटेशियम हाइड्रोजन, तो बेटा ये 1 डिग्री है 2 डिग्री है, लेकिन ये OH माइनस का अटैक करेगा तो 1 डिग्री पे तो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया यहाँ तो हो गया OH18 और यहाँ क्या हो जाएगा इसी तरीके से इपोक्साइड में दूसरा नंबर मान लिया जाए इपोक्साइड है, हमने कहा हमने अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर तरीका यह है कि नाउ दिस विल फॉर्म OH प्लस और अब ये क्या हो गया, दिस इज टेंटेटिव अब यहाँ चुके कार्बन कटायन ज्यादा और यहाँ को ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे टिपिकल कंसेप्ट है। टिपिकल कंसेप्ट क्या है, जो मैंने आपको पहले ही बताया है, किसी भी कार्बन कटायन के अगर तूसरे एटम को लोन पेयर हो तो एनजीपी है है, तो कहीं ना कहीं ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपनी एनर्जी को लोअर करने के लिए या ऑक्सीजन यहाँ पर अपना पैर लगाए हुए है तो साइक्लिक रहेगा ही, क्योंकि मोर ऑर लेस साइक्लिक है। फिर भी यहाँ पे जो आयोडाइड का अटैक होगा वो कहाँ से होगा, आयोडाइड का अटैक कहाँ से होगा, अब ये यहाँ पर हम लोग देखे न्यूक्लियोफाइल तो 1 डिग्री पर अटैक किया, यहाँ न्यूक्लियोफाइल 1 डिग्री पर ना अटैक करके यहाँ 3 डिग्री पे 2 डिग्री पर अटैक कर रहा है, क्यों, रीजन ये है तो कंसेप्ट कह रहा है कि इस तरीके से यहाँ पे हमारे अप्रोच समझना, अप्रोच क्या है कि हम एसिडिक मीडियम में चले और बेसिक मीडियम में, अगर हम बेसिक मीडियम में चलते हैं तो कहां अटैक कराना है, तो 1 डिग्री बेटर देन 2 डिग्री, और अगर एसिडिक मीडियम में बेटा चले जाओगे ऑक्सीजन के माध्यम से जाओगे तो कार्बोकैटायन के माध्यम से जाएंगे, ये कांसेप्ट चेंज हो जाएगा 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, तो 3 डिग्री साइड पे हम जाएंगे वहां पे अटैक होगा या 2 डिग्री पे होगा लेकिन 1 डिग्री पे नहीं होगा, इन दोनों में कहां होगा, कहां आएगा अटैक, इन दोनों में कहा आएगा OH, तो इस जगह। तो यहाँ पे दो बातों पे अंतर रखना है, खास करके पहला नंबर तो बेसिक मीडियम में भी रिएक्शन होता है और दूसरा नंबर कि रिएक्शन के तरीके अलग अलग हो जाते हैं, एसिडिक मीडियम में अटैक कहीं और होगा और बेसिक मीडियम में अटैक कहीं और होगा, तो दिस इज ऑल अबाउट इपोक्साइड। तो इन बातों पे ध्यान रखना, आज के क्लास में मैंने डिस्कस किया अल्कोहल के बारे में, घर के बारे में और इपोक्साइड के बारे में, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक रिएक्शन प्रोडक्शन है दिस इज नॉट द मेन लाइन टॉपिक, लेकिन ये फाउंडेशन है, आपको आज समझ में नहीं आएगा कि आप कर क्या रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि आप जो मैकेनिज्म की जो बुनियाद है आपकी जो ऑर्गेनिक की बुनियाद है वो बुनियाद ही यही है और ये टॉपिक कोई है ही नहीं, कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, तो ये मैंने सबको इंटीग्रेट किया है और अगला क्लास और महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्यों, क्योंकि मैं अगले क्लास को डिस्कस करने जा रहा हूँ कार्बोनाइल एंड कार्बोक्सिलिक।
मम्मी ये दोनों डिस्कस करने के बाद एडी के फोन करो, कार्बनिल एंड कार्बोक्सिलिक डिस्कस करने के बाद तब मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस बात को ध्यान देना कि नेक्स्ट क्लास कार्बनिल एंड कार्बोक्सिल, इसमें तीन क्लास लगेंगे और दो तीन क्लास खत्म करने के बाद तब हम लोग आ जाएंगे मेनलाइन टॉपिक पे। और लेकिन ध्यान रखना, हम जो यहाँ पढ़े हैं पूरी ऑर्गेनिक में कवर कर रहा हूँ, पूरी ऑर्गेनिक एक बाय एक वन बाय वन, सारे हाइड्रोकार्बन कवर हो चुके हैं, हैलाइड्स कवर हो चुके हैं, अल्कोहल्स कवर हो चुके हैं, और नेक्स्ट हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन्स और जैसे जैसे डेरिवेटिव्स कवर करेंगे, और तब इसके बाद हम लोग आ जाएंगे वन बाय वन मैकेनिज्म में, सारे मैकेनिज्म को स्प्लिट करके टुकड़े में तोड़ेंगे और एग्जांपल के साथ एनालाइज करेंगे। तो हैव पेशेंस, दो तीन क्लास आपकी और लगेगी, तब इसके बाद हम लोग चले आएंगे। लेकिन इनको आप रिवाइज करते रहिए, अगर आपको ऑर्गेनिक मैकेनिज्म सीखना है, इंटीग्रेट करना है, टुकड़े टुकड़े बेटा ध्यान देना, हम लोगों ने अभी तक जो जीएससी वन पढ़ा है तो जीएससी वन जीएससी टू का भूत अब आने लगा है, हम कैसे ऐसी बेस का प्रयोग कर रहे हैं, तो इन सारी बातों को समझो, स्ट्रेन का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, तो इन सब का प्रयोग अब एप्लीकेशन आ रहा है बेसिकली, दिस इज अप्लाइड पार्ट, तो अप्लाइड पार्ट में सबका प्रयोग होना है, तो पहले वाले रिविजन किए करते जाइए और इन सारी बातों को भी साथ साथ रिविजन करते रहो। तो अगले क्लास में हम सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है कार्बोनिल्स एंड कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। Okay, have a good day. Thank you. Or go down.